उसका तो उन्होंने 1,000 हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा बिकेश मिश्रा। मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करती हूँ अमोल के सिंपल होम मेड रेसिपीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मूंग दाल डोसा, जो कि घर पे रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही हम बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है, आप लोगों को पता ही है कि मूंग दाल में कितना ज़्यादा फाइबर होता है। तो चलिए इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ, उसके बाद फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया हुआ है ये 1 कप छिलके वाली मूंग दाल ली थी, जिसे हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। इसे हमें 4 से 5 घंटे तक भिगोना है और उसके बाद इसका सारा पानी निकाल देना। और हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसे हमें चॉप कर लेना है। और यहाँ पर हमने लिया था 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और यहाँ पर हम थोड़ी सी ग्रीन और रेड कैप्सिकम, इसे हमने चॉप करके रखा है। और हमने यहाँ पर ये ग्रीन कोरिएंडर को भी कट करके रखा हुआ है। और ये हम डोसे में स्टफिंग करेंगे, जो हमने यहाँ पर प्याज कट करके रखी है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर पनीर भी लिया हुआ है और 2 टेबल यहाँ पर हमने बेसन लिया हुआ है। और ये हमें अपने सॉल्ट लिया हुआ। और आज का जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है अमूल का बटर। हम यहाँ पर अमूल का बटर एंड अमूल का घी यूज करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लेना है एक मिक्सी का जार, और हमने जो दाल भिगो के रखी थी इसमें सारा इसे हमें ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने छिलके वाली दाल ली और छिलके सही थी, हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब इसमें हमने यहाँ पर जो प्याज कट करके रखी वो ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो डालें, वरना आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने यहाँ पर ये हरी मिर्च और अदरक रखा था, ये भी ऐड कर देंगे। और हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और डालकर इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। अब सारा पेस्ट हमें एक बाउल में निकाल लेना है। अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम हो रही तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, बट ये इजीली ऐसे ही पीस जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अभी हमारा पेज थोड़ा सा ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसमें
काश्मीरी लाल मिर्च एंड हल्दी भी ऐड कर सकते हो, बट इसे हम सिंपल से ही ऐसे ही बनाएंगे। हम इसमें हल्का था हल्का सा नमक ऐड करेंगे और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे इसमें। बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा, आप लोगों को पता ही कि छिलके में कितना ज्यादा फाइबर होता है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ऐसे आप इसे ब्रेकफास्ट या शाम को जब भी स्नैक के रूप में भी जब भी मन करे आप बनाकर इसे खा सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कोर्सेस की ओर। हमने यहाँ पर गैस पे नॉन स्टिक तवा रख दिया है। अब हम करेंगे क्या, हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वॉइस क्लियर है तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें किसी का भी कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। और हम यहाँ पर हमने जो ये बेसन रखा हुआ है इसे भी, 2 टेबल हम यहाँ पर बेसन भी ऐड कर देंगे इसमें, और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, और डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, यहाँ पे चावल का आटा भी आप ऐड कर सकते हो, इससे हमारे डोसे और भी अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी और ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। तवा हमारा गरम हो चुका है, इसलिए हम हल्का सा पानी की छींटे लगा देंगे और इसे नाइफ से हम पेपर से इस तरह से साफ कर लेंगे। हल्का सा ऑयल छिड़क देंगे इसके ऊपर और इसे भी हम नैपकिन से साफ कर लेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के, और इसे हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फैला देना है। आप जितना पतला चाहो इसे बना सकते हो, बट ये थोड़ा थिक ही अच्छा बनता है। तो ये देखिए कितने इजीली हमारा डोसा क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा यूज करेंगे अमूल का बटर। यहाँ पर हम साइड साइड थोड़ा सा अमूल का बटर लगा देंगे। और इसे हम मीडियम आंच पे पकने देंगे। बहुत ही फ्रेंड्स सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही क्विक बन जाती है। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप इसे कभी भी इजली बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि मुंह में कितना, छिलके वाले मुंह में कितना ज्यादा फाइबर होता है, तो आप जरूर इसे ट्राई करिएगा। आप छोटा बड़ा जितना बड़ा चाहो आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा लगाएंगे सेजवान चटनी, आप इसकी जगह टमाटो सॉस भी यूज कर सकते हो, आपको आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो।
और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कैप्सिकम और थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे कटी हुई प्याज। जैसे हमने यहाँ पर सेजवान चटनी ऐड की, आप इसकी जगह टमाटो केचप या ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हो। और हमने ये होममेड पनीर रखा था जिसे हमने अमूल के मिल्क का यूज करके बनाया है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और हम डालेंगे यहाँ पर ढेर सारी धनिया पत्ती। तो आप देख रहे हो कितना कलरफुल हमारा डोसा बनकर रेडी हो चुका है। बस इसे हम थोड़ा सा और पक जाने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना इजीली हमारा डोसा और कितना क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। थोड़ा सा और पक जाए फिर से हम तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा डोसा बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह हम एक डोसा आपको और बनाकर दिखा रहे हैं। बस ये याद रखना है कि तवा हमारा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो डोसा हमारे अच्छे से फैलेंगे नहीं। अब हम यहाँ साइड साइड थोड़ा सा अमूल का बटर लगाएंगे। आप इसे टमाटर केचप या ग्रीन चटनी किसी भी चीज़ से साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही क्विक बन जाता है। अब हम इसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। हम इसमें आधे में ही केचप लगाएंगे और आधे में ही स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से हम इसे फैला देंगे। हम इसे पूरे में नहीं लगाएंगे, बस हाफ में ही लगाएंगे और हाफ में ही हम स्टफिंग डालेंगे। आप इसकी जगह ग्रीन चटनी या टमाटो केचप भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स। बस थोड़ा सा ये पक गया, फिर हम इसे टर्न करके सर्विंग प्लेट को निकाल लेंगे।
बहुत ही सिंपल सी रेसिपी फ्रेंड, बहुत ही क्विक बन जाती है। आप इसे बच्चों को लंच में, ब्रेकफास्ट कभी भी बनाकर दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही स्वाद से खाएंगे और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरह से हमें ट्रेंड कर दे तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें बना लेना है। बस हमारी डोसा बनकर रेडी है। हम लेंगे यहाँ पर एक तो थैंक यू सो मच।